वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ योगिता और आप मुझे देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर योगिता रितवान चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ऑयल जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अप्लाई किया है, ये है कास्टर अरंडी ऑयल जिसको बोला जाता है, ऑरिगेंज कंपनी का है, आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, अपने नेल्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस है कास्टर ऑयल, जो कि हर रेमेडी में यूज़ होता है। तो बहुत सारे रेमेडीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल मैं इसका आपको शेयर कर रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई रेमेडी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ऑरिगेंस कंपनी का प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम कास्टर अरंडी ऑयल, जो कि हेयर, स्किन और नेल्स के लिए है। ऑल स्किन टाइप्स, ऑल हेयर टाइप, और कोल्ड प्रेशर्ड है, जो कि इसकी बॉटल है 100 ml की बॉटल है ये। इसकी बैक साइड पे हम देखेंगे तो बैक साइड पे यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज्ड है इसमें, वो इसमें इन्होंने बताया है। प्लस इसमें आपके मैन्युफैक्चर डेट एंड MRP है 447। आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट में ये मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने डिटेल में बताया है क्या क्या इसमें यूज़ है, कैसे कैसे आपने यूज़ करना है इसको। आप अपने हेयर एज ए हेयर ऑयल इसका यूज़ कर सकते हैं। हेयर ऑयल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको हेयर ऑयल में ये, अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपके जो हेयर में डैंड्रफ है वो रिमूव होंगे, इचेस वगैरह जो भी हेयर पे होंगे, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये आपके एज अ नेचुरल कंडीशनर भी अप्लाई होता है, मतलब आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद हेयर वॉश करेंगे तो एज अ कंडीशनर आपके बाल रहेंगे, मतलब स्मूथ एंड सिल्की रहेंगे। प्रोटेक्ट करता है हेयर फ्रॉम डैमेज, हेयर के जितने भी डैमेज है पार्ट उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगर आप स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं, स्किन पे आप अगर आप रेगुलर इसको अप्लाई करेंगे तो एज अ रिंकल वगैरह जो भी रिंकल्स हो जाते हैं उनको टाइट करेगा। आपकी स्किन जो लूज़ हो जाती है वो स्किन एकदम टाइट होएगी। उसके बाद क्लीन पोर्स करेगा, क्लियर एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा। बूस्ट योर इनर ग्लो, अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपके जो स्किन है वो ग्लो करेगी। और उसके बाद अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करेंगे तो सनबर्न्स स्किन है जो भी सन एज अ अगर आप बाहर जाते हैं धूप में तो आपकी स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो सनबर्न्स हो जाते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे रेगुलर इस ऑयल को तो आपके जो सनबर्न्स वाले एरिया वाली स्किन है वो एकदम स्मूथ एंड शाइन करेगी। उसके बाद प्रमोट करेगा ओवरऑल स्किन हेल्थ को। हाउ टू यूज़, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे वो सारा इसमें डिटेल में है। आपने इसको अप्लाई करना है बिफोर 3 आवर एटलीस्ट आपने इसको रखना है, बिफोर नाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं, एक दिन पहले आप एक रात को आप इसको अप्लाई कर लीजिए, मॉर्निंग में आप वॉश कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और स्किन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ आईब्रो पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और स्किन एरिया पर आईलैशेस पर, और आईलैशेस अगर आपने थिक करनी है, थिन अगर आपकी आईलैशेस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्किन एरिया पे। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो फेस को ओवरऑल आप क्लीन कर लीजिए, देन सर्कुलर मोशन में आपने इसको मसाज करनी है, देन आप इसको वॉश कर लीजिए। तो ओवरऑल इसमें पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कैसे कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। जब इसको ओपन करते हैं तो अंदर से कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है, तो ऐसी आपको बॉटल मिलेगी जो कि बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है, प्लास्टिक की बॉटल है, तो आप इसको ट्रैवल करते हुए अपने बैग पर भी, बैग में रख सकते हैं, इधर उधर जाना है तो आप इसको बैग में भी लेके जा सकते हैं। जो इसका कलर रहेगा, एक मैंने इसको अप्लाई किया हुआ, यूज़ किया हुआ मैंने इसको पहले भी, तो यहाँ जो ऑयल रहेगा ये मेड इन इंडिया है, और जिसकी आप देख पा रहे हैं ये पैराबेन फ्री है और नो मिनरल ऑयल्स इसमें नहीं यूज़, और ये बहुत ही अच्छा है बालों, स्किन के लिए, हेयर स्किन दोनों के लिए। तो
स्किन एंड हेयर पे, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। नील्स जिनकी इंक्रीज नहीं होती तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको नीचे लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इस टाइप से एकदम लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में ही जैसे ऑयल होता है, थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा है, मतलब ये कास्टर ऑयल है, तो फ्रेगनेंस इसकी बहुत अच्छी वाली है, मतलब जैसे कास्टर ऑयल की होती है वैसी वाली फ्रेगनेंस है। इसको अप्लाई करना आपने ओवरनाइट रख सकते हैं, 3 आवर पहले अप्लाई करना है। जब भी आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले अपनी फिंगर्स की हेल्प से आपने मसाज करनी है अपने हेड पे, और 2-2 फिंगर्स का गैप करते हुए इसको अप्लाई करना है। इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद आपने 15-20 मिनट मसाज देनी है प्रॉपर अपने हेयर की, फिर उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं 3 आवर के बाद, या फिर ओवरनाइट इसको रखिए, दूसरे दिन आप इसको वॉश कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है हेयर ग्रोथ के लिए। जितने भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसकी जगह कास्टर ऑयल को एक बार यूज़ करके देखिए हेयर ऑयल की जगह, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हेयर ग्रोथ, प्लस आपके जो ग्रे हेयर हैं वो रिमूव होते हैं रेगुलर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं लिंक ओपन करके। तो ये थी ओवरऑल इसका रिव्यू, ऑरिगेंस कंपनी की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप नीचे जाकर प्रोवाइड लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर देन आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, स्किन से रिलेटेड हेयर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर। तो जल्दी जल्दी नीचे क्लिक कीजिए और एक अप्लाई करके फिर देना आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट होगा नीचे कमेंट का वो बॉक्स, वहाँ पे कमेंट कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, रेड कलर के सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।